compared to the we saw ke, we started with the problem of reachability for robot and we figured out ke hum actually apne grid ko apne map ko bas kar hum kya kar sakte hain ke apne pure map ko represent kar sakte hain in the form of a graph okay aur so all those points which are which have the same kind of property we will merge them into one representation we named it as vertex okay ab fir ek region se hum usse jitna ja sakte hain to uske liye humne kya kaha tha ki hamare paas ek edge hai theek hai ab wo jo graph representation thi isko represent karne ke liye humne jo do tarike use kiye ek tha adjacency list aur ek tha adjacency matrix What was the advantage of adjacency matrix? अगर हमने दो वर्टिसेस को जोड़ा मैं देखना हो कि क्या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ एक हॉप से एक हॉप का मतलब है डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो तरीका क्या था All I have to check in here is क्या हम क्या कहेंगे मैं इस मैट्रिक्स की उस आयत अगर मैं आई जी को देखना है तो फॉर एग्जाम्पल मैं आयत रो और जेथ कॉलम में जाकर आपको फिगर आउट हो जाएगा कि इनके दरमियान में डायरेक्ट एच जाती है फॉर एग्जाम्पल आप देखें क्या मैं बी से ई पे जा सकता हूँ यस मैं यहाँ पे जा सकता हूँ ओके बट यही मैंने बी से ई यहाँ चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा पूरी लिंग्विस्टिक कवर करना पड़ेगा ठीक है एवरी बट दिस टाइम सो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग आउट जी But will it be the case for directed graph? No, it won't be the case for directed graph. Why? क्योंकि वहाँ पे direction important है. अगर u v edge है तो लाभ नहीं है u v. Okay? Everybody understand? Yes. So इसके बाद काफी मजा हमने सवाल किए थे और this was the chart which we came up with. ठीक है? Go through this chart because this will come in your coming quiz on LMS. ठीक है और आल्सो इट सिमिलर टू दिस थिंग विल अपीयर इन योर फाइनल एग्जाम ओके सो बी वेरी बेटर ठीक है बाय द वे जो मैंने आपसे कहा शेयर की गीक्स फॉर गीक्स की आई रिकमेंड कि यू शुड आई मीन जब भी कोई हम टॉपिक पढ़े वहां से रिलेटेड टॉपिक जो है वो आपको एक दफा एज ए क्विज के तौर पर करना चाहिए ओके उससे फायदा होगा कि आपको आपकी वर्क की मिठान भी तैयार हो जाएगी और आपके जो एल एम सी क्विज फेस्ट है वो भी तकरीबन वहीं से आता है ठीक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्विज जाएगा तकरीबन उन्हीं सवालों को चेंज किया जाएगा ठीक है तो उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है इंडियन ने सामने लेकिन उन्होंने उन्होंने तकरीबन हर एक ऑप्शन के बारे में बताया कि क्यों गलत है सो दे आर रियली वर्क हार्ड सो देन वी सॉल्व दिस ब्यूटीफुल रीचेबिलिटी प्रॉब्लम एंड द रीचेबिलिटी प्रॉब्लम वॉज द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरेशन और वो ये था कि अगर मैं एक वर्टेक्स आपको दे देता हूँ एक ग्राफ और आपको कहता हूँ कि इस ग्राफ में इस जगह से मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और बोल दिया गया हमें कहते हैं हम क्या करते हैं सबसे पहले उस वर्टेक्स का विजिटेड प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हैं ये हम क्यों करते हैं ताकि हम कहीं इंफिनिट लूप में ना आ जाए इस तरह पेंसिल से हम काम कर रहे होते हैं तो वो जब मेज सॉल्व करते हैं तो हम ड्रॉ करके जाते हैं क्यों ड्रॉ करते हैं ताकि हम वापस वहीं ना आ जाए और ऐसे बड़ा मसला हो जाए वापस ठीक है ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस सो ये हमने विजिटेड इज इक्वल टू 2 कर दिया ठीक है ये प्री विजिट क्या चीज है मैं बताता हूं तुझे उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया मैं क्यों उस वर्टेक्स की जो वी वी वर्टेक्स है उसकी सारी एजेस पे जाते हैं और इनके और देखते हैं क्या जिस ये V से U एज जा रही है ये U कहीं विजिटेड तो नहीं है अगर U विजिटेड नहीं है तो हम उसके ऊपर रिकर्सिवली कॉल कर देते हैं
run, because it was the explode. Okay. Then there is a small typo here, here for G pass. Q? You can see me on the G. Zero, zero. Everybody understand? Okay? अच्छा मेरा आपसे सवाल है वो ये कि अगर इसी कोड को मैं देखूं तो जी के पास होने से यू भी पास होने से ऊपर भी यू भी पास होने से क्यों जी पास होने से जी पास होता है आमतौर पे ग्राफ पास होता ही मैं जो नोड एक्सप्लोर करनी है बेसिकली तो वो पास नोड एक्सप्लोर करनी है तो मुझे ये मैं मुझे बता दूं मैं क्यों कह रहा हूं कि और के साथ है तो मेरा आपसे सवाल यह है कि मेरा सवाल आपसे यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ग्राफ है इमेजिन करें कि ये ग्राफ है वो दो तरह के ग्राफ हो सकता है आपको मैंने याद है मैंने कहा था कि आपको एक्चुअली असाइनमेंट में पाया था पहला दो सवाल है वो यही है कि आपने क्लास बनानी है ग्राफ की कौन सा ग्राफ एक है एडजेसेंसी लिस्ट और एक है क्लास ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स ठीक है अब मुझे बताएं इसके अंदर क्या होता है इसमें क्या होता है हाँ बताएं इसमें क्या होता है इसके अंदर हम रखते हैं वेक्टर ऑफ एक्सप्लोर हम रखते हैं वेक्टर ऑफ खुल जाएगा या क्या होगा वेक्टर ऑफ इंटीजर वाई इंटीजर अब जीरो हाँ ठीक है सो एक्चुअली यहाँ पर आप देखते हैं आप एक बना रहे हैं जी के नाम से ठीक है सो आप एसेंशियली क्या करते हैं आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसको इंटीजर क्या पास करेंगे एक रो और एक कॉलम तो क्या नहीं डायमेंशन पास करेंगे सो इंटीजर एन पास व्हाट इज एन नंबर ऑफ बिट्स Okay, so what you can do is कि आप उस g का dot resize को करें g का resize का मतलब क्या है मैं इसको एंड नहीं का वेक्टर बन जाएगा जिसके अंदर वेक्टर्स हैं उसके बताओ कि आप ये तो अपनी एक्चुअली मैंने रो बना दी हर रो में एंट्री दी थी अब तक नहीं दिखाई तो वो एक्चुअली एम्प्टी होगा ओके व्हाट आई कैन डू इज आई हैव टू लूप थ्रू अगेन आई इज इक्वल टू 0 क्या करना पड़ेगा जी, I is less than n, जी, I plus plus और मैं यहाँ करूँगा g I dot resize और मैं क्या पास कर दूँगा n, तो ये मेरी n by n की मैट्रिक्स है, ये पास है ना? कोई ड्यू शू से एलोकेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और शायद हम एक और काम भी कर लेते हैं, वो ये है कि वेक्टर के लिए ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, कौन सा ऑपरेटर? ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होगा एवरीवन ऑफ यू नो व्हाट इज सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है ना तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में हम यहां पे क्या पास करेंगे यहां पर इंटीजर आ जाएगा राइट जी कहते हैं ऑपरेटर ऑपरेटर प्लस है ना ये आप ओवरलोड कर दें और से डेटा क्या होगी फोर से इंटीजर होगी यहां मैं ये मैं डिफाइन कर रहा हूं ये करेगा ये मैं ग्राफ भी बना दूं और इसको रो इंडेक्स में डालूं तो ये क्या कर रहा है कि मैं इसी क्लास में एक फंक्शन बना रहा हूं इंट ऑपरेटर दिस तो ये इंट नहीं वेक्टर ऑफ इंट एम्पर्सन व्हाई एम्पर्सन क्योंकि हम जानते नहीं कि वो रो की पूरी पूरी कॉपी में आ रही है ना तो मैं उसको उस वेक्टर को बाय रेफरेंस लेता हूं और ये देखिए जी कुछ नहीं करता रिटर्न ये जो भी रो इंडेक्स आया हुआ है वो इस जी का आर आई इंडेक्स है ठीक तो इससे ये जो ग्राफ है अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाता हूं ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स का नाम तो जी अब अगर मैं लिखूंगा जी 0 1 इज इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या है ये करेगा 0 पहले ये चलेगा ये क्या रिटर्न करेगा 0 ये रिटर्न करेगा 0 थ्रो और वो बाय एम परसेंट ही रिटर्न किया है और जब इसका आई ए 1 चलेगा तो इसका मतलब है कि वो उस रो के 1 इंडेक्स में जा रहा है और वो भी बाय एम परसेंट रिटर्न ठीक है और उसके लिए मुझे ऑपरेटर ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेक्टर के अंदर वो ऑपरेटर पहले ही ओवरलोड होता है ये सब कुछ समझ में आ गया ठीक है तो यहां चल रहे और यहां पर आप कौन कर सकते हैं ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है
अगर क्लास के अंदर करना है वो तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है तो आपको मसले मसला नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लास के बाहर बात कर सही है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो ये हमने ली ग्राफ की क्लास बना ली, इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअली ये क्लास ग्राफ है, इसके लिए आपको पहले नोडी क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो नोडी क्लास में क्या हुआ, तो इसके अंदर बना लेते क्लास नोड, आपको ये पता है क्लास के अंदर क्लास बन जाती है, ठीक है। तो मैं क्लास नोड बनाता हूँ, क्या करूँ उसके अंदर, इसमें एक डेटा तो नहीं है, डेटा भी नहीं है, तो क्या हुआ, हाँ विजिटेड वगैरह आएगा। तो आप ऐसा करेंगे एक बूल रख लें, बूल विजिटेड आईडी, हाँ चलें जी एक आईडी भी रख लेते हैं, इंटीजर आईडी, ठीक है। सॉरी नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस सीजन में या किसी सीधा लिस्ट, लिस्ट ऑफ नोड पॉइंटर्स, ठीक है, जिसका नाम है नेबर एंड सी नोड्स, बस ना, ठीक है। तो ये मेरा एक नोड है, एंड व्हाट इज अ ग्राफ, ग्राफ इज ए वेक्टर ऑफ क्या बोलते हैं, लिस्ट नोड्स, वेक्टर ऑफ नोड्स, और इसका नाम क्या रखते हैं, सर नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं जी, इसका नाम जी रखते हैं, ठीक है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट्स इट, सही है। अब मेरा सवाल ये है कि जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो सिनेरियो, एक सिनेरियो तो ये है कि मेरे पास एडिशन सी मैट्रिक्स है, और उस सिनेरियो क्या है कि मेरे पास एडिशन सी रेशियो, तो लेट्स कोड बोथ ऑफ देम, इसका मतलब क्या है, तो व्हाट इज द वी, वी इज एक्चुअली एन आईडी, एडिशन सी मैट्रिक्स के केस में हमारी जो वी है वो या क्या है, वी हमारी क्योंकि इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है कि फॉर नंबर व्हाट इज नंबर 1, व्हाट इज नंबर 2, व्हाट इज नंबर 3 एंड सो ऑन सो फॉर, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे जब ये मैट्रिक्स रीड करते हैं ना तो हम ये एबीसी की फॉर्म में रीड नहीं करते, ओके, ये हमें विजुअली तो अच्छा लगता है एबीसी की फॉर्म में, लेकिन हम जब एक्चुअली फिजिकली हार्ड डिस्क पे रखते हैं तो हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखते हैं, और इसकी जो आईडी होती है वो एक्चुअली इसका इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, ये बात सुना है, 26 से ज्यादा नोड, हाँ आप फिर ज्यादा नोड नहीं बना सकते, या फिर आपको अगर उनके नाम स्ट्रिंग्स रखने पड़ेंगे जो उनमें ज़्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है, सही है। तो इसीलिए पहले पहले ना आमतौर पर जैसे ग्राफ मिल भी जाए तो उसकी प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसमें ना हर वो स्ट्रिंग जो कि हर वो ग्राफ का नाम जो मतलब चाहते हैं उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आम ये मैं प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अच्छा अच्छा इसलिए इसका मतलब क्या है, मैं विजिटेड वी इज इक्वल टू करता हूँ जी, मैं बूलियन, और यहाँ क्या रखूँ नाम विजिटेड वीज कर देता हूँ, विजिटेड फ्लैग, ठीक है, और यहाँ आगे बड़ी क्या करना पड़ेगा उसका साइज, हाँ साइज सॉरी उसके उसका साइज, तो यहाँ पे आगे उसको रीसाइज कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा वीज डॉट रीसाइज, और रीसाइज क्या पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो उसके बैंडिस के डिजिटल जो भी फ्लैग है उनको पूरा सेट कर दें, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि विजिटेड v इज इक्वल टू कर दो, सिंपली से मतलब क्या है, हां तो एक्चुअली ये जो v's की अरे है उसके वो vth इंडेक्स पे जाता है और उसके जाने क्या चलता है ट्रू, ये मतलब ये बात सुना, अगर मैंने ये फंक्शन दिया है उसमें लिखा हुआ है, ये फंक्शन जो मैं लिख रहा हूं एक्सप्लोर वाला का, ये मैं इस ग्राफ के अंदर लिखा हूं, ये बात सुना, ठीक है, और उसके अंदर जो चाहिए, सही है, ये मेरा ट्रू हो गया। प्री विजिट तो मैं बाद में करता हूँ, मुझे इधर बताइए क्या करिए, क्या अगर मैंने उसकी नेबरहुड में ट्रैवर्स करना है और मेरे पास एडिशनल मैट्रिक्स तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप क्यों करना पड़ेगा जी बताएं, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन या क्या होना चाहिए जी बताएं, एनपी डॉट साइज नहीं
इधर आना, ये एच जी ग्राफ है ना, तो क्या होना चाहिए जी का वीएथ इंडेक्स पे क्या, ये मुझे बताएगा और ये रो है और उस रो में कितनी एंट्रीज पड़ी होगी जी, मुझे पता है उसकी डॉट साइज है, ठीक है। और मुझे हर इंडेक्स पे जाना ही जाना है, क्यों जाना है, मुझे बड़े देख रहा है कि वहां पे क्या पढ़ा हुआ है, जीरो पढ़ा हुआ है या वन पढ़ा हुआ है, अगर वहां जीरो पढ़ा हुआ है तो मुझे तो उसको देखना ही नहीं, अगर वहां वन पढ़ा हुआ है तो वो उसका लेबर है, ठीक है। और फिर मुझे देखना है कि उसका फ्लैग जो है वो क्या होना चाहिए, उसका फ्लैग जो है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, क्या होगा ना, मुझे उसका विजिट जो है वो देखना है कि विजिट क्या होना चाहिए, अभी कैसे करें बताए मुझे। So, ये है कि वहां पर आईएथ इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, सो जी का वी का आईएथ इंडेक्स मैंने देखा और मैंने कहा हाँ जी क्या वो नॉट इक्वल टू जी जीरो, व्हाई नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो को भी चेक करेंगे होते हैं, अगर वो जीरो है तो मतलब मुझे भी चेक करेंगे होते हैं, हाँ अगर वो वन है तो क्या करना पड़ेगा, आप मुझे एक्सप्लोर कॉल करना चाहिए, लेकिन पहले चेक करना चाहिए कि क्या आईएथ वर्सेस चेक वो विजिटेड तो नहीं है, वो कैसे करेंगे, एंड दीज के सर विजिटेड के लिए जीरो कह रहे हैं, आईएथ जो वैल्यू है विजिटेड के लिए जीरो कह रहे हैं, क्या ये द दीज की है, नहीं जो जीरो विजिटेड के लिए जो जीरो कह रहे हैं वन कह रहे हैं, जीरो के लिए जीरो कह रहे हैं वन के लिए वन कह रहे हैं, तो कहता है बस वन करेंगे हम के लिए वन रखने और जो अभी तक अनविजिटेड है उस पर जीरो, ठीक है जी। वी एस के जो बूलियन है उसके किस पे चले जाते हैं बताएं जी, इफ आगे देखने पे देखा जाके इफ दैट इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि ट्रू है तो उसका मतलब फिर भी विजिट करने की जरूरत है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर मुझे क्या करना है एक्सप्लोर पर, और एक्सप्लोर क्या कॉल करें इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर और आईएस, दैट्स इट ओके, ये हमारा एक्सप्लोरेशन हो गया किसके लिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स मुझे बताएं एडजेसेंसी लिस्ट लिया, यही काम अगर मैंने एडजेसेंसी लिस्ट लिया खत्म किया, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है असाइनमेंट जी, बताएं हां जी बताएं, पहले तो मुझे अब क्योंकि वो नोड है, अब हमारे पास जो यहाँ पर पास हो रहा है वो वहाँ पे एक इंडेक्स पास नहीं हो रहा है बल्कि वो एक नोड है, तो मुझे क्या करना चाहिए बताएं मुझे, सबसे पहला काम ये है कि मैं वी का डॉट विजिटेड क्या कर लूंगा, ट्रू कर, ये बिल्कुल यही है ना, एक्चुअली आई रिकमेंड इसके साथ स्कट करना, स्कट करना क्या हो सब चीजें पब्लिक क्लियर होगी, बट हाँ ठीक है, ये कंटेनर बन जाए मैं पब्लिक क्लियर होगा, हाँ बस उसकी डेटा बन जाओ, ठीक है जो क्या पढ़ा हुआ क्योंकि वो लिंक लिस्ट है, तो इस नोड में जाएगा तो नोड के क्या पड़ा हुआ एंस की अरे पड़ी हुई है जो कि अरे नहीं एक्चुअली लिंक लिस्ट है जी, आई शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, बिल्कुल लीजिए सो जी वी डॉट एंस डॉट और यो लेला आई क्रिसमस, हां जी क्या करेंगे यहां पे, क्या करेंगे अगेन वही चलाएंगे, क्या मुझे ये वाला यूज लगाने की जरूरत है, क्यों क्योंकि हमने सेम ही वो किया होगा जो कि जीरो नहीं हो सकता, वो है ही वन, अबे क्या लिख रहे हो, ना लिखो ना लिखो, हां सी वीडियो बन रही है, सुनो रही है, हां सो जी क्या करें, ठीक है सॉरी जी के आई अच्छा सॉरी
जी बी के विजिटेड मैं वो बोला सर हाँ जी विजिटेड डॉट विजिटेड इफ दैट इज इक्वल टू फॉल्स तो मुझे क्या करना तो मुझे आई नहीं लेना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए आई एरो आई डी मतलब आई डी क्या है कि हर नोड के कुछ की आईडी होती है कि वो कौन सा इंडेक्स है बस ना यहां पर आ जाएगा आई एरो आईडी ये बस ना तो फॉर एग्जांपल जो पहला वाला ए नोड है वो फॉर एग्जांपल वो उसका आईडी 0 होगा ठीक है तो जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को तुमने अपने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया उसको रिस्पोंडिंग आपने यहां पर ठीक है जी और हमें अगर मैंने डबल इक्वल टू फॉल्स है उसके मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्सप्लोर दोबारा सो व्हाट वी कॉल एक्सप्लोर और एक्सप्लोर क्या होगा आप बताइए यहाँ में जी पास हो जाएगा और यहाँ पर आई पास हो जाएगा बट डोंट फॉरगेट इसकी जो छोटी सी एक गलती हुई मुझे कि यहाँ पर एरो आ रहा है राइट सो डोंट यू थिंक यहाँ पर स्टैटिक आई पास होना चाहिए है ना या तो यहाँ पर स्टैटिक आई करते हैं या फिर जब आपने ये लिखा ना वी डॉट विजिटेड इसकी जगह भी एरो एरो करके खड़ा जाओ सारी चीजें मैं पॉइंट आउट किया ठीक है तो आई रिकमेंड के एक्चुअली आई ही भेजो और यहां पे भी दी एरो भेजो ये जो आपने जी दी है फोटो जी शाबाश यहां पर क्या होना चाहिए यहां पर ये नहीं होना चाहिए यहां पे वी एरो आई डी एक्सेलेंट थैंक यू सर यहां पर भी इधर जो वी एरो आई डी शाबाश थैंक यू ठीक है तो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन Okay, so we have the implementation of graph. Okay, so everybody understand कि यहाँ पर क्या होता है. Okay, everybody understand? ठीक है. So आपके question number one, question number two जो assignment कर रहा है, वो actually यही है कि आपने actually वो जो भी आपने graph का super code लिखा है, वो आपने actually physically implement करना है. ठीक है. जो कि मेरे तरीके में आपने यहाँ पे कर रहा है. सही है. सर ये जो बीज है इसके अंदर, ये बीज आपने कहाँ पे जहां भी हम जा रहे होते हैं वहां पर हम क्लॉक की वैल्यू एड करते और क्लॉक में इंक्रीमेंट करते हैं और साथ ही जो हम पोस्ट विजिट करते हैं तो पोस्ट विजिट में हम कहते हैं ठीक है चलिए अब हम नाउ हियर इज द आइडिया इज कि ये हमारा एक्सप्लोर है ये हमारे इसके प्री और पोस्ट है यहां हमने एक्चुअली डीएफएस प्रोसीजर लिखा है अब डीएफएस प्रोसीजर क्या करता है वो हर एक विजिट को जाकर पॉज कर देता है अब ये कोडिंग में कैसे होगा ये आपको पता है ठीक है दोनों के दोनों केस में आपको पता आई डोंट थिंक यू विल यूज यहां पर वो आता है और कहता है हम भी हर वर्टेक्स में जाओ और देखो कि क्या उसका विजिटेड जो है वो क्या है अगर उसका विजिटेड एक्सप्लोर नहीं हुआ तो उसके लिए एक्सप्लोर कॉल दोनों केस में ये क्या होंगे ये आपने खुद देखा है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो व्हाट्स द आइडिया मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूं ये अगर आपको ग्राफ मिला तो इस ग्राफ में सबसे पहले क्या होगा जी इस ग्राफ में सबसे पहले हमने कहा अलग से मैं कह देता हूं कि ना ग्राफ में आपने ट्रैवर्सल करना है और ट्रैवर्सल इस तरह करना है कि वो जो प्रायोरिटी है प्रायोरिटी आप जिस मर्जी चेंज कर ठीक है मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये ऑर्डरिंग ये बनती है कि फॉर एग्जाम्पल ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है ये एट है ये नाइन है ये टेन है और ये इलेवन और ये ट्वेल्व ठीक है यू कैन डू इट इन एनी वे यू लाइक सो लेट्स से मैंने वर्सेस को रीनेम करके रीनेम कर दिया
अब मुझे बताएं कि जो डी एफ एस है वो कहाँ से पाल से तो सी से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे वन आया सो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया ग्रीन नंबर इसका बाल साइड हो गया। अब वन से कॉल किस पे जाएगी उसको पहले कॉल करें जो के अल्फाबेटिकली या आईडी वाइज पहले आता है। ठीक है सो इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर आएंगे जी को और ये यहाँ पर रख देगा टू जी जी से जाता है फिर यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से लूप होता है तो ये यहाँ से वापस आने से पहले इसको 4-5 कर देगा यहाँ आएगा इन दोनों में कौन है 11 यहाँ पर आ जाएगा 6 इसी कर देगा 7 वापस आया जी 8 9 10 11 12 ठीक है और ठीक है अब आगे आ जाए अब क्या होगा आप बताएं अब क्या होगा जी आप बात सुन ये वन हो गया वन के बाद जो सेकंड बार ये और टू भी है ठीक है ये वन के ऊपर एक्सप्लोर करो उसके नतीजे में ये कुछ हो गया। अब मुझे बताएं टू के ऊपर रिकर्सिव कॉल जाती है टू कहाँ है टू ये है ठीक है तो दैट इज फाइन टू के लिए रिकर्सिव कॉल जाती है और ये एक्सप्लोर से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 40 जी अब आएगी थ्री की बारी थ्री कौन है थ्री है वो पहले विजिटेड है तो उस पर रिकर्सिव कॉल जाएगी फोर पे जाएगी सिक्स पे फाइव पे फाइव कहाँ फाइव भी हो गया सिक्स पे अब सिक्स ये है इस पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट सो यहाँ पे क्या आएगा 15 जी 16 ये तो है ही है कितना तो यहाँ आ जाएगा 17 जी याद बताए ये जे पे जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 18 18 से आ जाएगा 19 19 आ जाएगा 20 21 और ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 24 आप देखें अभी तक हमारा डीएफएस खत्म नहीं हुआ हमारा डीएफएस अभी तक 6 इंडेक्स पर पहुंचा है 6 के बाद वो 7 पे आएगा 7 के बाद वो 8 पे आएगा लेकिन वो कॉल नहीं कर सकेगा 9 पे आएगा 9 कौन सा है वो भी पहले एक्सप्लोर हो चुका है 10 या वो भी एक्सप्लोर हो चुका है 11 भी एक्सप्लोर हो चुका है 12 भी एक्सप्लोर हो चुका है 9 द प्रोग्राम रिटर्न ये बात नहीं एवरीबॉडी अंडरस्टैंड लास्ट क्लास में हमने एक काम किया था ये है इसकी आईडी लगाने का नतीजा हम एग्जाम में एक ही ग्राफ देके उनकी री नंबरिंग कर देते हैं हाँ जी कर चलाओ उसको अब वो बंदा जिसका वर्जन 1 है इसका वर्जन 2 है तो सेम नहीं क्योंकि हर एक की नंबरिंग डिफरेंट तो कहते हैं चीटिंग करो लेकिन तो अगर ऑर्डरिंग नहीं दी हुई तो यूजुअली बासना जी अगर ऑर्डरिंग नहीं दी हुई तो द यूजुअल कन्वेंशन इज ऑलवेज यूज अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर ओके और अगर डिजिट्स में दिए हुए तो डिजिट्स में असेंडिंग ऑर्डर ये बात समझ आ गई शाबाश ये है आपके डीएफएस चलाने का तरीका ठीक है ऑलराइट हमने इसके साथ थोड़ा सा गेम खेला था ये वैसे ये सारा हम कर लीजिए अच्छा उसके बाद हमने थोड़ी सी एक एप्लीकेशन की थी इसी इसी प्रोग्राम और वो ये था कि हमारा एक अनडेटेड ग्राफ है और आपने बताना है इसे कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं और यानी कंपोनेंट को हमने कैसे सॉल्व किया था हमने ये कहा था कि एक्चुअली हम ये जो प्री विजिट है इस प्री विजिट प्रोसीजर में साथ एक और काम कर देते हैं एक लाइन और ऐड और वो ये किसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर जो है वो सी सी असाइन होता है और ये सी सी चलेगा कहाँ से ये सी सी कहाँ से आएगा भाई तो क्या यस सर कैदर दे
फंक्शन टाइप कहां पर कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर को इनिशियलाइज करना चाहिए, कहां पर? हां कहां पर सर, तीन पोजीशन में कहां पर? हां इधर हम विजिट कर लेते हैं, स्टार्ट में कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर देते हैं और या सी सी कर देते हैं और उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं जीरो, ठीक है? और हम ये करते हैं जब यहाँ पर हम विजिट कॉल करने लगे, विजिट कॉल करने के बाद यहाँ पे एक्सप्लोर पे जब आते तो एक्सप्लोर में हम हेलो भाई ये देखो एक्सप्लोर में जब हमने डी भेजा तो वाली सर यहाँ पर बेटा हम एक काम करते हैं, एक पैरामीटर और टेस्ट पास कर देते हैं और वो है सी नहीं प्लस प्लस सी सी और यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं विजिट को जब हम ट्रू कर रहे हैं तो बेशक इस प्री विजिट में ये लाइन ऐड करते हैं या हम क्या करते हैं यहीं पर जाकर लिख देते हैं कि जी वी डॉट कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर जो है वो बराबर है सी सी के, तो इस वर्टेक्स से जो जो एक्सप्लोर होगा उसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर ये सर बस में ये एक दफा डी एफ एस कॉल करने से क्या होगा, एक्सप्लोर कॉल करने से क्या होगा, ये एक तरह स्कोर कॉल करने से क्या होगा? तो जैसे कॉल जो है अपने जितने भी कनेक्टेड होंगे तो एक वर्टेक्स से जो जो कनेक्टेड पाथ के थ्रू पहुंच सकता है उन उनका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर वो जो यहां पे पास हुआ है सी सी में वो असाइन कर बस ना वो हमने असाइन कर दिया। अब क्या हुआ ये मेन में दोबारा वापस जाएगा तो मेन में अब याद है हमने 1 के लिए कॉल की थी फिर 2 के लिए भी दोबारा कॉल की जब 3-4 के लिए एक्चुअली कॉल नहीं गई थी तो वो इस पर प्लस प्लस नहीं करेगा लेकिन जब वो इस पोर्शन में दोबारा वापस आया था तब उसने कनेक्ट कंपोनेंट नंबर को 3 किया था, ठीक है? जब ये पूरा लूप खत्म होगा तो सी सी एन में वैल्यू होगी कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? और हर एक वर्टेक्स का एट्रीब्यूट जाके सेट हो गया होगा क्या ये उसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर कौन सा। अब सवाल याद है वो क्या था कि रोबोट के लिए हमने रिक्वायरमेंट रखी थी कि वो सिर्फ ये बता सके कि मैं क्या मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है? तो कैसे निकालें दोनों का सीसीएन नंबर देखेंगे तो दोनों का सीसीएन नंबर देखेंगे अगर दोनों सेम है तो क्या पहुँच सकते हैं उसके पहुँच ठीक है एवरीबडी अंडरस्टैंड ठीक है। आगे कुछ बड़े मजेदार सवाल है जो कि हमारे लिए क्लास में भी आएंगे वो है गूगल इज गोइंग टू ट्राई मेक एन एल्गोरिथम जो कि एक्चुअल वो पाथ में निकाले, ठीक है? कौन सा पाथ फॉलो करते हुए जाए तो हम वहां पहुंचे और फिर ये होगा कि हाँ भाई क्या इससे बेहतर कर सकते हैं वो भी पूरी पूरी कहानी है, बड़े मजेदार मजेदार सब चीजें, ठीक है? ऑलराइट ये जो हमने प्री नंबर और पोस्ट नंबर लगाए इसका फायदा क्या है अभी हम उसको फायदा बताते हैं, ठीक है? लेक्चर एक्चुअली अगला लेक्चर भी पूरा पूरा सीखोगा, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताएं मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ ये आप ग्राफ मिला हुआ है ग्राफ के ऊपर मैं करंट कंपोनेंट नंबर सॉरी प्री पोस्ट वैल्यू जो हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है? ये भाग अगर ये जो ग्राफ है ये डायरेक्टेड ग्राफ मतलब क्या ये अगर यू से वी पे पास जाता है तो उसका मतलब हरगिज नहीं है कि वी से यू पे पास होना ये बात सुना, ठीक है? जा सकता है लेकिन नाम भी नहीं, ठीक है? ओके ऑलराइट नाउ हियर इज द क्वेश्चन क्वेश्चन इज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी वही काम करता हूँ जो डी एफ एस वाला मैंने किया था तो फॉर एग्जाम्पल मैं ए के ऊपर डी एफ एस कॉल करता हूँ, ठीक है? रव्या तो ये सारी एक्सप्लोरेशन होती हैं और हर एक के प्री पोस्ट नंबर असाइन करते हैं, ठीक है? ये बात सुनना एवरीबडी अंडरस्टैंड चले एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करता हूँ
अच्छा ये बात सुनिए जी, ये देखा जी मैं यहाँ पर आया, दिस इज सॉल्व करते जी, वन है ठीक हो जाएगा, टू है थ्री पे एफ पे जी पे जी, फोर पे जी, फाइव पे ये वापस जा सकता नहीं, क्यों तुझे भी उसका टू हो चुका ठीक है, फाइव और एट से क्या बेटा ये हो गया, ये वापस आएगा, ये क्या हो गया, अब ये हाथ नहीं दिया, ये हो जाएगा टेस्ट ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, वो एजेस जिनसे एक्चुअली एक ग्राफ एक्सप्लोरेशन शुरू होती है उनको ना मैं डार्क करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां से मैं यहां ठीक है, यहां से मैं यहां, यहां से मैं यहां ठीक है, तो ये मैंने नहीं दी ठीक है, तो लेट मी से क्रॉस, ये मेरे किसी काम का ठीक है। सिमिलरली एफ से मैं यहां आया ठीक है, और तो यहां क्या मैंने ये लिया नहीं, ये एज ली है, तो इस एज को मैं यू ठीक है, और बाय द वे कौन कौन सी एजेस आपको चलता है मैं कौन सी नहीं लूंगा, ये भी नहीं लूंगा ठीक है, ये भी एज नहीं लूंगा ठीक है, इधर आ जाए, अब आप क्या ये लूंगा, ये भी नहीं लूंगा बी से नीचे एच भी नहीं, यहां पे जाऊंगा मैं और ज्यादा जाना ही पड़ेगा मुझे, यहां से यहां पर आऊंगा ठीक है, ये नहीं लूंगा मैं ठीक है। अच्छा आप एक छोटा सा एक छोटी बात, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये अभी तक सीरियस हो यहां से यहां आ गया 12 13 14 15 और 16 ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये ड्यूटेबल एजेस रूप बन रही है, एजेस भी नहीं है, हर एज पे कोई या तो लाइन होनी चाहिए या क्रॉस होनी हो गया ठीक है। अच्छा आप एक थोड़ी सी मजेदार बात देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं कोई भी दो इंटरवल देखता हूँ, ये इंटरवल है, ये 13 पे डिस्कवरी शुरू हुई और 14 पे खत्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 4 पे डिस्कवरी शुरू हुई और 7 पे खत्म, इसका मतलब क्या है, 3 पे डिस्कवरी शुरू हुई और 10 पे खत्म। अब एक बड़ी मजेदार बात, कोई भी दो इंटरवल हम देखें या तो वो कंप्लीटली डिसजॉइंट हो या एक दूसरे के अंदर कंटेन, कोई भी दो दो नोड नहीं, अगर दो नोड दो ई और एफ, ई का नोड का है 3 से 10 तक, एफ का है 4 से 7 तक, सारे के सारे ठीक है, फॉर एग्जांपल ई और सी ले, तो E है 3 से 10 तक, F है 12 से लेकर 15 ठीक है, चलिए देखें 1 से 16 तक और आगे जो मर्जी ले लो उसे हर ऐसे करके आना, ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स ठीक है। मजेदार वो ये कि एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये क्यों ऐसा है कि हर एक के अंदर दूसरा या तो कंटेन होगा या फिर डिसजॉइंट होगा, मतलब ऐसा क्यों है, अगर हम वहां से उधर जा रहे थे तो वो उसके तो जो जहां पर हम गए हैं वो पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेन होगा, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से वो डिस्कवरी उसकी शुरू हुई है, तो उसका प्री नंबर इसके प्री नंबर से छोटा होगा है ना, और दूसरी बात है कि जब उसने वहां से कॉल रिकर्सिव कॉल वापस आनी है तो उसका मतलब इसके नीचे वाला सारा पोर्शन एक्सप्लोर हो जाएगा, और उसका जो पोस्ट नंबर है अब वो पोस्ट जब वापस आता है तो उसके उसकी काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो इसीलिए जो उसका काउंटर है वो जो पोस्ट काउंटर है वो हमेशा उससे बड़ा होगा, एक्चुअली इट्स द वर्किंग ऑफ रिकर्सन व्हिच एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि ये हमेशा से एक्चुअली हमने यही किया, कैसे किया हमने,
एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस यार, ये क्या तरीका है? अच्छा मैं एक मजेदार बात, ये जो मैंने कुछ रीजन जो कि जिनको ना मैंने डार्क कर दिया था, वो डार्क आपको यहां पर नजर आता, और जो मैंने एडजस्ट नहीं लिए उसको मैंने डॉटेड किया, ठीक है? उन्होंने क्या कर दिया? डॉटेड। अच्छा मैं आपको छोटी बात बताऊं, असल मैंने किसी भी डॉटेड ग्राफ में जब एक्सप्लोरेशन करते हैं तो एक्चुअली चार तरह की एजेस, एक होती है जिसे कहते हैं ट्री एजेस, वो एजेस हैं जिसके थ्रू एक्चुअली एक नोड डिस्कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल इससे ये नोड डिस्कवर, ठीक है? तो एक्चुअली ये हमारी ट्री है, ये सबको समझ आ गया? अच्छा एक होती है जिसे कहते हैं, एक उसे कहते हैं बैक हैच। बैक हैच का मतलब है अगर आप एक ऐसे वर्टेक्स पे चले गए जो के क्या है, अगर हम किसी ऐसे वर्टेक्स के ऊपर चले गए हैं जो के सॉरी अगर वो वापस अपने किसी अपने किसी अगर पेरेंट में जाता है तो एक्चुअली इसे कहेंगे उनके बैक एज। एक्चुअली अगर आप देखिए गौर से तो बैक एज का सेंसली मतलब ये है कि इसका जो प्री और पोस्ट होगा और जो इसका प्री और पोस्ट होगा इसमें रिलेशन होगा। सी का प्री पोस्ट जो है वो पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली अपने पेरेंट की तरफ अगर वो बैक एज का मतलब है कि यहाँ ये पूरे का पूरा इसके अंदर कंटेन फॉरवर्ड में जा, फॉरवर्ड का मतलब है एक्चुअली लगता है कि इससे उसका अपोजिट है। कैसे? कि अगर ऐसी एज जा रही है जो कि अब इसकी तरफ जा रही है जो कि क्या है, जो जिसका प्री पोस्ट जो है वो अगेन इसका प्री पोस्ट कंटेन करता है, ठीक है? हुआ यह था कि ये जब ये डिस्कवरी करने के लिए गया तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और जब ये वापस आया और इसने इसकी ये वाली एज थी और उसने डिस्कवरी करने जाना था लेकिन वो पेरेंट्स रोक चुके, तो इसे कहेंगे क्या? ये फॉरवर्ड। कौन सी एज है? फॉरवर्ड। अच्छा सर ए से बी वाली है, ए से बी वाली ये वाली एज जिसकी ट्री है जिसकी वजह से वो डिस्कवर हुआ, तो ए से बी भी ट्री कह सकते हो क्या? ए से डी रिवर्स इसे नहीं कह सकते क्योंकि वो बी दैट्स ऑफ सच है ना, तो बी की वजह से ये डिस्कवर पहले हो गया। एक रिकर्सिव कॉल जब जाती है तो जब एक रिकर्सिव कॉल जब वापस नहीं आता तब तक उसकी बारी दोबारा आती है, ठीक है? तो इसके नतीजे में अब ये एज बनेगी ना, इसे कहते हैं फॉरवर्ड, ठीक है? ये एज है बैक। अच्छा ये एज है तो कहते हैं क्रॉस। क्रॉस एज का मतलब है दीज आर दोज एजेस जिनका अगर मैं प्री पोस्ट देखूं तो completely disjoint। For example देखते हैं, अब देखते हैं आपके ख्याल में कौन सी चीज क्या है, मुझे बताना चाहिए। ये कौन सी है? tree है। ये कौन सी है? forward। अब ये कौन सी है? forward। तो ये कौन सी है? backward। ये backward। ये कौन सी है? cross। why cross? और आप देखें क्यों, क्योंकि ये 3 टैंग है और ये 5 6 है। तो सवाल मेरा ये है हाउ टू डिटेक्ट whether an edge is a tree edge, forward edge, back edge or a cross edge? Sorry? D to edge। D to edge क्या? ये सर। ये D to? Cross होगी ना। ये cross है। Cross। जब D to edge है ये कौन सी edge है? ये cross है। Okay? अच्छा मैं आपको graph दूँगा बताऊँ कि वहाँ भी ये बताएँ कि ये graph जो है वो उस ग्राफ में ये वाली एज क्या है, ये वाली एज क्या है आफ्टर डीएफएस, आफ्टर डीएफएस, क्योंकि ये मैटर करता है कि आपने डीएफएस चलाया किस था,
ठीक है, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपने चलाया था उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप एक तरह से चलाएं ट्री एज ये वाली बन रही हो, एक और चीज चलाएं आपकी ट्री एज ये वाली बन। सो प्लीज कीप इन माइंड के हर एज के बारे में बताना है हमने कि ये ट्री एज है, क्रॉस एज है, फॉरवर्ड एज है या बैक एज है। ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा सर, बी टू ई क्या होगा? सॉरी, बी टू ई प्लीज बात करें। क्या बेटा? बी टू ई, बी टू ई ये ट्री एज सर, क्योंकि बी की वजह से ई डिस्कवर सर। ओके, H to G अगर वो हम करने उसको ट्री एच करते हैं, H to G जो है वो ट्री एच करते हैं, हाँ तो फिर B to H क्या? नहीं यार आप नहीं कर सकते, नहीं वैसे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अगर ये हो तो फिर नहीं बता, हो सकता था अगर ये वाली एज भी ना होती और ये वाली एज ना हो, फिर वो ठीक है, फिर D to H फॉरवर्ड हो जाएगा ना, फिर दोबारा तो क्या अगर H to G जो है वो ट्री करते हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो प्लीज लुक एट दिस। मुझे कह रहा है कि अगर मेरे पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ में मैंने लेट्स से ये एच थी ही नहीं, ये एच थी ही नहीं, ये एच थी ही और ये एच थी, तो ऑफ कोर्स इट क्लियर ऊपर वाला, ऊपर वाला जो होगा वो भी फॉरवर्ड होगा। कौन सा? डी टू एच। डी टू एच क्यों फॉरवर्ड होगा? फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड ये कि अगर पेरेंट से मैं 40 तक जा, ये पेरेंट तो नहीं है सर, ये पैरेंट नहीं, ये एच इसकी वजह से डिस्कवर होगा, नहीं एच तो इसकी वजह से डिस्कवर, ओके क्रॉस और फॉरवर्ड तो क्रॉस, ओके ऑलराइट। अच्छा मेरा बात का ये सारे के सारे प्लीज साइलेंट, ये जितने भी एलिज ऑलरेडी निकाल दिए इसकी एप्लीकेशन है, मैं आपको किसी एक एप्लीकेशन थोड़ी देर बताऊं। अच्छा एक खास किस्म का ग्राफ होता है जिसे कहते हैं डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ। व्हाट इज अ डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ? इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ।